गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होगे। और मैं भी बिल्कुल मस्त और स्वस्थ हूँ। एंड अभी मैं मैके में अभी भी हूँ। मैं मैके में बलिया मीन्स बलिया में हूँ मैं। एंड जिस दिन भी टिकट हो जाए उस दिन ही मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि वहाँ का भी काम थोड़ा सा पीछे जा रहा है। ऑफिस का काम जो भी है पीछे जा रहा है, ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। 1 वीक हो गया। हाँ, 1 वीक हो गया, तो वहाँ भी काम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आप किसी के भरोसे काम करवाओ ऑफिस का, खुद करो, फर्क पड़ता है। इसकी वजह से जिस भी टिकट हो जाएगा मैं चली जाऊँगी। ये नहीं बोल सकती कल भी जा सकती हूँ, परसों भी जा सकती हूँ, दरसों भी जा सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस दिन भी हुआ उस दिन फाइनली हम चले जाएंगे। और गर्मी की तो बातें मत पूछो। मैं नासिक में थी तो एक्चुअली मैं 7 साल बाद आई, तो नासिक में थी तो ऐसा फील नहीं होता था कि गर्मी कैसी होती। मैं सोचती थी गर्मी कैसी होती, कैसे पसीने टपकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद से जिसको जिसको गर्मी को फील लाना है वो बलिया में, बलिया में क्या नॉर्थ में आ जाए। बहुत ही गर्मी है, बहुत बहुत पीछे से पसीने से टपक रहे हैं। एंड पीयू स्टडी कर रही है, मैं मॉम सो रही है, पीयू स्टडी कर रही है, देख सकते हो। पीयू 12 बजे तक स्टडी करती है नानी के घर में, उसके बाद से फ्री हो जाती हैं। कहती हाँ आऊँगी तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी, बट चूंकि इतनी गर्मी है ना कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ और खुद को ही करना रहता है। और आज है किसी का इनविटेशन है जिसमें पीयू मतलब पापा, आई थिंक मम्मी भी जाएंगी। मेरा तो फास्ट है, नहीं भी होता तो भी मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से आता था मैं किसी के घर नहीं जाना पसंद करती हूँ। सो मुझे ऐसा आज फील हो रहा है कि बाहर जाऊँ घूमने के लिए। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि रोज़ के हिसाब से थोड़ा सा डाउन है गर्मी यहाँ पे, बट घूमने कहाँ जाऊँ समझ नहीं आता है, कहाँ जाऊँ कुछ पता नहीं। एंड देखते हैं, मम्मी उठती हैं तो आज है एकादशी, जिसकी वजह से घर में चावल नहीं बनेगा। जब ये लोग उठेंगे तब मैं इनको रोटियाँ सेक के दूँगी। अभी सो रही हैं, सोने देती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत सुबह उठ जाते हैं, बहुत सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। मैं तो उठती हूँ 8 बजे, तो इसकी वजह से सोने देती हूँ। और मेरे को 8 बजे उठने के पास मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि जो 8 बजे सो के उठेगा इसलिए उठती हूँ कि वहाँ पे तो ऐसे ही 4 बजे मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है मेरा वहाँ का नासिक का रूटीन, मुझे पता आपको पता होगा, ब्लॉग देखते होगे तो इसकी वजह से वहाँ पर 4 बजे ही उठना पड़ता है। और यहाँ पर थोड़ा मैके आई हूँ तो मैके का बोलते हैं मैके का वो करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, इसलिए मैं 8 या 7:37 नींद तो खुल जाती है, बट बेड नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल जाती, क्योंकि आदत सी रहती। अच्छा इन्वर्टर अगले, हाँ पता लगा। हाँ ताज लंच में है फ्रूट्स, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। मम्मी कैसा लग रहा है? जूसी है? मीठा है? नासिक जैसा नहीं है। मीठा है? ठीक है, नासिक जैसा नहीं है, नासिक बहुत मीठा होता है। नानू इज हियर। भगवान जी का भोग लगा। मम्मी नानी कहाँ है? क्या नानी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? शरबत बना रहे हैं। शरबत? एक इसका किशु का? किशु को भोग लग चुका है। अच्छा ये सरकार का लाइट आ गई, बंद करो। यहाँ पे लाइट जाती है ना? अभी लाइट गई थी, अभी जस्ट लाइट आई है।
लाइट चली जाती है तो जान निकल जाती है। कॉल सेंटर में जॉब करना है, कौन बोला आपको कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए? हाँ मैं बोली हूँ। तो मेरी मम्मी को किसी ने ऑप्शन दिया है कि आप कॉल सेंटर में जॉब कीजिए। थैंक यू सो मच, जो मेरी मम्मी को इतनी अच्छा आपने सोचा। तो मेरी मम्मी अब कल से ज्वाइन करने वाली हैं, है ना मम्मी, कॉल सेंटर में। तो मेरी मॉम कॉल सेंटर में ज्वाइनिंग है उनकी, सो प्लीज़ मेरी मॉम को आप लोग बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि मम्मी का जो बात करने का जो तरीका है ना बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट बोलती हैं। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, बबलू का फ़ोन आ रहा है आपके नंबर पे। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट जो आपने बोला, मेरी मॉम कॉल सेंटर पे जॉब कर सकती है। वो कुछ ना कुछ करनामा करती रहती हैं बिकॉज इनके पास कोई काम धाम नहीं है। पौधे में पानी डाल दिया और यहाँ पर पानी पानी पानी। बकेट को मैं बंद, बकेट को नहीं सॉरी नल को बंद करती हूँ। वही बोला मैंने। और ये रहा मेरी सोसाइटी का नज़ारा, मेरे ऑफिस का नहीं सॉरी आदत हो गई ऑफिस का बोलने का और सोसाइटी का बोलने का। हाँ चलो ठीक है सोसाइटी। हाँ नानू को बस चप्पल